नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो कहानी एक बच्चे के साथ 25 साल पहले घटित हुई थी। अभी तो वो लड़का काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि भरी गर्मियों के दिन होते हैं, बहुत गर्मी होती थी। जैसे मई जून में जो गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, और पहाड़ों की गर्मी ऐसी होती है कि आप पहाड़ों में चल नहीं सकते। तो होता क्या है कि एक बच्चा जो था वो स्कूल जाता है, तो उसकी वहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है, और वो होता क्या कि वहाँ से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वो सीधा घर से, जो स्कूल था उसका 2 किलोमीटर दूर था, और आगे पीछे जंगल था, और साथ में तो क्या होता है कि वो छुट्टी लेकर चला आता है। दोस्तों होता क्या कि छुट्टी लेकर वो चला तो आता है, और उसको धीरे धीरे, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, और जैसे आधे रास्ते में आता है तो एक वहाँ पर रेन शेल्टर बना होता है, तो बस स्टॉप बना होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि वो लेट जाता है। वहाँ पर एक आम का पेड़ होता है, साथ में पीपल का पेड़ होता है, और वहाँ पर वो उसकी आंख लग जाती है। तो दोस्तों होता क्या कि जब वो वहाँ पर 1 घंटा तक तो सो जाता है, और उसको क्या होता है कि जब वो जागता है तो वो देखता है कि उसके पास एक औरत बैठी हुई है, और उस औरत ने उसको अपने गोदी में ले रखा है। और जैसे जागता है तो वो देखता है कि औरत, क्योंकि वो उस औरत को नहीं जानता था कौन थी, और जैसे ही वो आगे उठता है और औरत क्या करती है, उसको हाथ में उसको काट देती है, उसके हाथ में काटती है, और वो गायब हो जाती है। तो अब वो बच्चा डर जाता है, तो और देखता है कि उसके हाथ में खून निकलने स्टार्ट हो जाता है, जैसे आदमी काट लेता है ना, तो वैसे वो काट लेती है, मूँछ मार देती है। तो जैसे मुंह से काटती है तो वो चिल्लाता है, तो वहाँ पर कोई आगे पीछे कोई नहीं था, तो फिर क्या होता है कि वो जल्दी से घर भागा जाता है। तो घर में पहुँचता है तो घर में जो उसकी मम्मी थी उसको कहती है कि ये क्या हुआ, कि खून कैसे, किसने काटा है? तो कह रहे मुझ ऐसा हुआ कि मुझे, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं वहाँ पर रेन शेल्टर के पास लेट गया। लेटने के बाद कोई 1-1.5 घंटा में सोया, मगर मुझे नहीं पता, एक औरत आती है वहाँ पर और वो औरत मुझे अपनी गोदी में लेकर बैठी होती है, और जैसे मैं जागता हूँ तो मुझे देखती है और एकदम मुझे काट कर गायब हो जाती है। तो फिर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि वो औरत कौन थी और वो गायब क्यों हो गई। कहते क्योंकि वो दोस्तों वो औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, और क्योंकि घर भरी गर्मी के दिन थे और आगे पीछे चारों तरफ जंगल था, तो फिर घर वालों ने बच्चे के हाथ में पट्टी वगैरह की, क्योंकि वहाँ पर खून बह रहा था, और फिर उसको तांत्रिक के पास से, जैसे मंदिरों में जाते हैं ना, धूप विभूति करते हैं, तो वहाँ पर उसको विभूति वगैरह दी गई बच्चे को, कि बच्चा डर तो गया था मगर उसको कुछ ना हो जाए। तो दोस्तों जब उस चुड़ैल ने उस लड़के को काटा, वो लड़का आज भी, उस वक्त उस समय वो अच्छा हट्टा कट्टा होता था, उसकी सेहत अच्छी थी, और आज भी वो लड़का जो है दुबला पतला सा है, क्योंकि उसका जो खून वो चुड़ैल पी गई थी, और आज भी उसके हाथ में वहीं पर निशान है जहाँ उसको काटा था। इस बात को 25 साल हो गए। तो दोस्तों ये कहानी किसी और की नहीं थी, ये मेरे से बड़े वाले बड़ा भाई है, उसकी कहानी थी। तो ये मैं बना बुझा कर नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानी सच है और मैंने भी देखा है, और आज ही वो वैसा ही दुबला पतला है।
तो दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।